हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल MLTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जो है जैसा कि कमेंट कर रहे थे कि भैया अगस्त का जो है सैलरी स्लिप पर वीडियो बनाइए, आपका सैलरी कितना आया वो हमें दिखाइए, मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मेरा सैलरी जो है 30 अगस्त को ही आ गया था, लेकिन सैलरी स्लिप अब तो जो है ऑनलाइन ये निकलता है मोबाइल में ही। तो लगभग हम रोज़ाना कोशिश कर रहे थे, नहीं निकल रहा था, अपडेट ही नहीं किया हुआ था। तो आज जो है 4 सितंबर है तो 4 सितंबर के हमने जो है देखा तो सैलरी स्लिप जो है अपडेट किया हुआ था 8वां महीना का। तो इसलिए जो है सैलरी स्लिप डाउनलोड किए हैं और आप लोग को इस पर वीडियो जो है आप लोग के लिए बना रहे हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत जो है मोटिवेशन मिल सके और आप जो है आप भी तैयारी जोरों शोरों से एकदम करा के करिएगा। तो और हाँ दोस्तों, आप लोग साथ साथ में एक ऑफ़र के बारे में बता देता हूँ कि अभी धुरीना पर टीचर्स डे का ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आप लोग विपिन सर को तो जानते ही होंगे, उनका रेलवे ग्रुप डी का जो है और मैथ फाउंडेशन और SSCGD का कंप्लीट कोर्स, ग्रुप डी का 399, मैथ फाउंडेशन 499 और SSCGD का 499 में आप लोग को धुरीना ऐप पर जो है मिल जाएगा। ये जो है 6 सितंबर रात 12 बजे तक ही है, तो आप लोग जो है इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और जो है इस क्लास को ज़रूर परसेस करें, क्योंकि आप लोग ग्रुप डी में ये काफ़ी जो है लाभदायक होगा। और आप लोग MTS की भी तैयारी या रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को ऑफ़र जो है काफ़ी कम रुपये में जो आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसे परसेस करें। मेरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, कितना बार बोलो, बिरजू कुमार। और मेरा पोस्ट जो है पॉइंट्समैन भी है और मेरा विभाग जो है ऑपरेटिंग है और मेरा स्टेशन जो है NUQ है। और उसके बाद जो है लेवल की बात करें तो PC 11 7 लेवल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ ये भी जान लीजिए 5/9/1998 है। वेतन वृद्धि जो है अगली कब होगी, 1/7/2022 को होगी, 1/7/2022 को होगी। और देखिए अगस्त में जो है 31 दिन होता है, तो ड्यूटी डेज कितना हो गया, 31 दिन हो गया। और ग्रस पे कितना बनना है, टोटल 26,682। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि 26,682 जो है कैसे बना और किस तरह से बना। तो बेसिक पे मेरा दोस्तों 19,100 है। देखिए, मैं जब आया था 29 जुलाई 2019 को मेरा ज्वाइनिंग था, उस समय मेरा 18,000 बेसिक पे था। और इसमें जो है 2 इंक्रीमेंट मेरा लगा है, तो 2 इंक्रीमेंट 3%, 1 इंक्रीमेंट 3% बढ़ता है बेसिक, तो 2 बार 3-3% बढ़ाएगा, तो 19,100 जो मेरा बेसिक हो गया। और उसके बाद जो है DA, अब देखिए पहले 17% था, अब हो गया 28%, तो DA 28% निकालिएगा, 19,100 का 28% निकालिएगा, 11% वृद्धि किया है, तो आपका 5,348 जो है DA हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये 1154 मिलता है, और उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस 1082 रुपये मिलता है। और ये नाइट ड्यूटी 10 घंटा मेरा जो था, मैंने 10 घंटा नाइट ड्यूटी किया था। देखिए, नाइट ड्यूटी ऐसे जोड़ा जाता है कि अगर आप 10 रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक जितना भी ड्यूटी करिएगा, उसमें आपका 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे आप मान के चलिए मेरा जो है ड्यूटी रहता है 6 बजे से शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे तक, तो मेरा जो है 40 मिनट इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि मैंने जो है 4 घंटा नाइट ड्यूटी किया है। 10 बजे से लेके 2 बजे तक मेरा नाइट ड्यूटी में गिनती हुआ, यानी 4 घंटा मैंने एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी किया है। नाइट ड्यूटी के बारे में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि नाइट ड्यूटी जो है कैसे मिलता है। तो जितना घंटा आप नाइट ड्यूटी करिएगा, उस 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में जितना घंटा करिएगा, उसका 10 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 मिनट का जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वही होता है। तो मेरा 10 घंटा टोटल जोड़ के 1 महीना में 10 घंटा हुआ था, तो जो है 10 घंटा का 1,1082 रुपया जो है मेरा 108.2 रुपया मिलता है 1 घंटे नाइट का, तो 1,082 रुपया मेरा ये हो गया। अब ये तो समझ लिए कि ग्रॉस पे इतना कैसे हुआ 26,682। अब इसमें देखते हैं कटौतियाँ कितना हुआ है। तो टोटल देखिए, कटौती की बात करें तो कटौती आपका हो गया 2,857 रुपया। अब इसमें कटौती क्या क्या हुआ है,
रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी जो है इसमें 30 रुपये कट गया है, और एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम टीयर वन में 2445 रुपया कट गया है। ये जो दोस्तों कटता है ये आपका बेसिक और डीए का 10% जो है आपका कटता है। ये दोनों देख लीजिए, बेसिक और प्लस 19,100 प्लस 5348 का 10% जो है आपका एनपीएस में कट जाता है। इसे जोड़िएगा तो मतलब 24,400 समथिंग में आएगा, तो उसका 10% निकालिएगा तो इतना आपका ये कट जाएगा। और इसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज 171 रुपया कटता है। दोस्तों मैं जो हूँ रेलवे के द्वारा दिया गया क्वार्टर में रहता हूँ, इस वजह से मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज भी देना पड़ता है। अगर मैं रेलवे क्वार्टर में नहीं रहता तो मुझे 1800 रुपये जो है वो मिलता और ये सब जो है नहीं कटता, ऊपर से मिलता और वो सब ये जो कट रहा है वो नहीं कटता। और हाफ रेंट की बात करें तो 176 रुपया हाफ रेंट कट जा रहा है। और उसके बाद वाटर चार्जर की बात चार्ज की बात करें, पानी जो हमारे क्वार्टर में आता है उसका 5 रुपया मंथली कटता है। और उसके बाद जो है धनबाद मंडल रेलकर्मी आपदा प्रबंधन कोष, इसमें जो है 30 रुपया कट जाता है। तो टोटल रिकवरी जो 2857 रुपये, आप लोग समझ चुके होंगे कि किस चीज़ में कट जाता है। और उसके बाद जो है मेरा टोटल कट कूट के जो है कट पीट के जो है कितना वेतन आया वो आप लोग देख लीजिए। तो टोटल मेरा आया 23,825 मेरा टोटल इस महीने का वेतन आया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा एक ही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का कि जो आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि देखिए आप लोग मोटिवेशन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और बीच बीच में दिल दिमाग ही तो है भाई, कभी ये सोचने लगता है कभी ये सोचने लगता है कभी ये सोचने लगता है कि यार एग्ज़ाम नहीं ले रहा है ये नहीं ले, तो आप लोग सैलरी स्लिप देख के भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी तैयारी फिर से जारी कर सकते हैं। देखिए हम लोगों के जीवन में जो है यही 23,000 रुपया बहुत मायने रखता है। अगर आप हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्टफुल है ये 23,000 रुपया, है ना, जब हमें पूरी तरह से ज़रूरी था तभी ये जो है हमें मिलने लगा था, है ना, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।